अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंपलीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस हम हैं चैप्टर फोर पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्वेश्चन ट्वेंटी टू लिस्ट आउट सम ऑफ द अप्रोचेस दैट कुड बी एंटिसिपेटेड टू एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द एंटेग्रल यानी आपने जो इंटेगरल किसी न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करके वैल्यूएट करना है या एस्टीमेट करना है तो उसकी एक्यूरेसी कैसे एनहांस की जा सकती है अब तक जो आपने उसके बारे में टॉपिक्स पढ़े हैं उनको देखते हुए आपके जहन में क्या अप्रोचेज आती हैं उसे लिस्ट आउट करें ऑबियसली यहाँ मुराद यही है कि अब तक जो कुछ आप देख चुके हैं उसकी बुनियाद पे आप क्या कह सकते हैं क्या एंटिसपेट कर सकते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से आप अपने इंटेग्रल का एस्टिशन बेहतर कर सकते हैं तो फौरी तौर पे तीन ज़हन में अब तक तक आने चाहिए। नंबर एक है कि कि आप स्टेप साइज़ यूज़ कर यानी जो से तक या अपना मेथड बार बार अप्लाई करने के लिए तो उस, उसकी तादाद बढ़ा दें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ा दें यानी साइज यूज कर लें एक तरीका ये हो सकता है दूसरा तरीका यह है कि हम हायर ऑर्डर का फार्मूला यूज़ कर लें यानी अगर हम यूज़ कर रहे थे रूल जो कि डिग्री वन के पोइनोमिल के बैकग्राउंड में इन्वॉल्व करता है हम उसके बजाय थ्री रूल, रूल यूज़ कर लें जो कि बैकग्राउंड में डिग्री टू का इन्वॉल्व करता है तो हमारे जहन में ये आ सकता है ये बात कि हम लोअर ऑर्डर वाले फार्मूले के बजाय हायर ऑर्डर वाला फार्मूला यूज़ कर लें ट्रेपैडल के बजाय सैमसंग यूज़ कर लें सेमसंग बाई थ्री के बजाय सैमसंग थ्री बाई एट यूज़ कर लें सेमसंग थ्री बाई एट के बजाय बोल्स रूल यूज़ कर लें यह हमारे जहन में एक पॉइंट एक पॉसिबिलिटी अरइज़ हो सकती है कितनी परफेक्ट है इलाद बात है लेकिन इस लेवल पर यह जहन में आना चाहिए तीसरी चीज़ जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में थी वो ये थी कि हम कोई रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन काइंड की चीज़ यूज़ कर लें उसमें क्या था यूजिंग टू लेस एक हम इंटेगर को दो बार करें एच साइज डिफरेंट रख के उससे दो एस्टिमेट आ जाएंगे और हमारे हिसाब से वो फ़र्ज कर लें कि वो लेस एक्रेट हैं उन दोनों को आपस में हम इस्तेमाल करके किसी ट्रिक के जरिए से और वो कौन सी होगी रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन होगी हम उस ट्रिक के जरिए से यूज़ करके हम उसे एक और ज्यादा बेटर एस्टिमेट कर सके तो ये तीन अप्रोचेस ध्यान में आनी चाहिए अब तक के लेक्चर्स की बुनियाद पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय डिग्री ऑफ प्रिसिजन और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए क्वाड्रचर फार्मूला ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको वहां समझ में आ जाना चाहिए जब आपने Uh, rule के error term की थी a point, ये टर्म का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर एक्सप्लेन किया गया था वो ये है कि जो ट्रेपल रूल है नोट दैट रूल इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रेटिंग पोइनोमियल ऑफ डिग्री वन यानी उसके बैकग्राउंड में लीनियर पोइनोमियल होता है दियर फॉर इट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिजल्ट वाइल इंटीग्रेटिंग यानी अगर हम जो जिस पोइनोमियल को हमने इंटीग्रेट करना है अगर वो बुद्धा खुद डिग्री वन का पोइनोमियल है और हम उसको इंटीग्रेट करने के लिए नुमरी मेथ, नुमेरिकल मैथड के तौर पर ट्रेपेरल रूल यूज़ कर लें तो जो आंसर आएगा वो हंड्रेड परसेंट एकट होगा अगर वो जो पोइनोमियल जिसे हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो खुद डिग्री वन का है इट हैज़ द डिग्री ऑफ रिसियन वन सिमसन रूल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके डिग्री और प्रिसीजन टू होगी यानी जब हम डिग्री टू का पोइनोबिल इंटीग्रेट करने जाएंगे तो जो इंटीग्रल <coughs> आएगा वो एक्यूरेट होगा बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन सिम्पसन सिम्सन की खास बात क्या है हाउ इट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिजल्ट वाइल इंटीग्रेटिंग अ पोइनोमिल ऑफ डिग्री टू एज वेल एज डिग्री थ्री डिग्री थ्री वाले को करता है हैंड्स

कई लिहाज से ये कंपोजिट सिम्पसनस 1/3 रूल बेस्ट साबित होता है न्यूटन कोर्ट्स मेथड में से इससे ऊपर के मेथड्स में जाएंगे सिम्पसन 3/8 में बोल्स रोल में वेडल रोल में तो उसमें जो वर्क लोड है वो भी बढ़ता चला जाएगा और हायर डिग्री में ए, एक बात आप जान लीजिए कि हायर डिग्री के पॉलिनोमियलस में एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है लेकिन ऐसा परफेक्टली नहीं होता

आ, उनको देखते हुए न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन देखते हुए हैं हम ये शुरू में इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि सिर्फ न्यूटन कोर्स इंटीग्रेशन ही न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्लास नहीं है बल्कि इसके कुछ और टेक्निक्स भी हैं जैसे कि जो है वो जो है गर्शन कॉर्डेचर रूल्स हैं वो भी हो सकते हैं बल्कि आप एन कोर्स में एक चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ ये होगी कि जो आपका है इसमें अभी आपने न्यूटन कोड्स इंटीग्रेशन में सिर्फ फंक्शन के फंक्शन की वैल्यूज मुख्य डाटा पॉइंट मुख्य पॉइंट्स पे नोड्स पे इस्तेमाल करते हैं आप फंक्शन के डेरिवेटिव को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं तो उसके लिए फिर ये जो नेक्स्ट लेवल के इंटीग्रेशन हैं वो न्यूटन कोर्ट से हट करें वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और इसके अलावा सप्लाइन इंटरप्रप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में तो इनफैक्ट ये से आपके पास नेक्स्ट लेवल के फार्मूलाज भी आ सकते हैं तो ये उसमें से एक हम क्लास देख चुके हैं वो थी गार्शियन कोटरेचर फार्मूलाज वट इज दर्नल फार्म ऑफ द एरर टर्म ऑफ एक्वाटरेचर फार्मूला किसी भी क्वार्टर फार्मूला के जो एरर टर्म है उसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है तो इस तरह से है वो क्या है c इनटू f p प्लस वन का डेरिवेटिव हेयर c इज डी सॉरी क्वेश्चन कर दूं c इनटू f का p प्लस वन डेरिवेटिव एट सम पॉइंट x इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन c इसे सुटेबली चुजेन कांस्टेंट xi is a point in the interval and p is the degree of precision of the quadratic uh, quadrature formula recall that p1 jo hai p equal to 1 hai trapezoidal rule ke liye aur p equal to 3 hai simpsons 1 by 3 rule ke liye तो इसलिए जो हम uh, Simpson rule के error term निकालते हैं उसमें थ्री प्लस वन यानी एफ का फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है ये एरर टर्म्स यहाँ पे simplify, जो है वो टेबुलेट कर दी गई हैं के लिए हो हो या composite form हो, basic rule है या composite form है क्या उसकी डिग्री है तो इंटरेस्टिंगली नोट करें किन वन बाई थ्री रूल की जो डिग्री ऑफ प्रिस है या याडर ऑफ एक थ्री है और सैमसन एट बाई का भी थ्री है बोल्स रूल का इस तरह से बाकी rules का भी मौजूद है ज्योम तो है उसको हमने ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला होगा वो क्या इन्वॉल्व करेगा एफ की वैल्यू कुछ नोट्स के ऊपर मल्टीप्लाइड बाई और हर वैल्यू मल्टीप्लाइड होगी किसी ना किसी वेट के साथ और उनको समप कर लेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मजीद सिंपलीफाई करें तो बी माइनस से सब में कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेते हैं अंदर एक क्वांटिटी जो बच गई उसे हम डब्ल्यू जे बार कह लेते हैं ओमेगा बार कह लेते हैं और इस सारे को हम नाम देते हैं एफ का ये कैलीग्राफिक एफ कह दिया हमने अब इसमें हो कह रहा है पहचाने ज़रा कि जो फार्मूला है जो हमने इंटरग्रल करना है किसके इक्वल है कोई ये क्वांटिटी है मल्टीप्लाई हो रही है बी माइनस ए से यानी इंटरवल की लेंथ बनती है अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो क्या बनेगा आपने ए से लेकर बी तक इंटरवल को इंटीग्रेट करना है यानी आप क्या करना चाह रहे हैं कि इस ग्रे एरिया इस ग्रे पोर्शन का एरिया मालूम करना है तो बी माइनस ए या लेंथ ऑफ द इंटरवल हो गई है और हमें अब हमें हाइट का एस्टीमेट चाहिए बेसिकली हम उसे एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे शब्दों में हमें वेट्स को मल्टीप्लाई करना है एक खास एवरेज हाइट के साथ हमें एरिया मिल जाएगा अब वो एवरेज हाइट कैसे आएगी तो डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट तरीकों से हाइट्स आती है सेटरिपिजडल रूल है जिसका ये फार्मूला है h 2 f0 f1 दूसरे शब्दों में b a यानी h आ गया है तो f0 प्लस एफ वन बाई टू तो ये जो फार्मूला बन रहा है टर्म आ रही है इजाफी पोर्शन आ रहा है इसका आ, फैक्टर आ रहा है ये बेसिकली हमें एवरेज हाइट दे रहा है सिमिलरली जो कंपोज़िट रूल है उसको अगर हम अगर हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम देखेंगे कि बी माइनस ए एक तरफ हो गया और बाकी सबको जो क्वान्टिटी है वो एवरेज हाइट डिटर्मिन कर रही है

उतना उसका उसके लिए उतना बेहतर फार्मूला देगा जो कि उतनी बेहतर हमें एवरेज हाइट प्रोवाइड करेगा एज सच इसकी एवरेज मालूम करना जो ये मिक्स क्वान्टिटीज हैं वेरिएटिंग क्वान्टिटीज़ हैं फ्लक्चुएटिंग क्वान्टिटीज़ हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑसिलेटिंग फ्लक्चुएटिंग ये जो कर्व बन रही है तो इसमें से जो एवरेज हाइट है वो एग्जैक्टली exactly क्या होगी तो हर फार्मूला अपने अपने हिसाब से वो बता रहा होता है तो बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही है अब जो वेट्स की हमने बात की थी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो वेट्स हैं उन्हें टेबुलेट करें तो हमने कौन से मेथड पढ़ चुके हैं हम? हम तो देख चुके हैं तफसील में वो तीन मेथड ये वाले हो गए बाकी भी हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं तो अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमने फार्मूलाज लिस्ट डाउन कर लिए ट्रिपाइडल थ्री बाई एट बाकी जो फार्मूलाए हैं उनको भी हमने देख लिया ये फार्मूलाज आ गए हैं इनको अगर हम रीअरेंज करें तो क्या बनता है सिम्पसन रूल जो कि अप्लाई करते वक्त एक सब इंटरवल मांगता है सिम्पसन नंबर थ्री दो मांगता है सिमसन थ्री बाई तीन मांगता है यानी इतने हमें सब इंटरवल्स चाहिए ताकि उससे जो एन प्लस वन पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएं ये हमने चीज कॉमन निकाल ली इनके फार्मूला में जो बाकी बचता है तो ये वो वेट्स हैं यहाँ पे ये सी या सी वो वेट्स हैं एच इंटू साई सी जे जो है CJ. CJ जो है वो, जो है वो आ, खास वेट्स हैं जो कि हम इन्वॉल्व करते हैं या द, या ओमेगा जो को भी आप वेट कर सकते हैं वेट कह सकते हैं तो इस तरह से हमारी ये इस चैप्टर में एक रीजनेबल स्टडी मुकम्मल हो जाती है Thank you very much, Samlikum.